SC ST एक्ट में बदलाव के कारण आज पूरे प्रदेश में दलित संगठन इकट्ठा हुए हैं। ये संगठन प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को वापस करने और दलितों की सुरक्षा हेतु पुनर्विचार करने के लिए जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान दलित संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने खुले तौर पर मोदी सरकार को कहा है कि अगर दलितों के खिलाफ लिए गए निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में दलित समाज इसका घोर विरोध करेगा और आंदोलन का रास्ता इख्तियार भी किया जाएगा। इस दौरान गुरु रविदास महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार देश के दलित समाज को दबाने का प्रयास कर रही है। भाटिया का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार में SC ST के 74 सांसद हैं, लेकिन सरकार ने एक्ट में जो बदलाव किया है, अगर उसे दोबारा से अपने पुराने प्रारूप में नहीं लाया गया तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सांसद एक्ट में छेड़छाड़ के खिलाफ हैं और सभी केंद्र सरकार को छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी सांसद भाजपा से जीते हैं और मोदी सरकार में हैं। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी चेताया है कि अगर वह इस मामले में कोई पहल नहीं करते हैं तो प्रदेश सरकार में जो 13 विधायक SC ST से हैं वह भी पीछे हट जाएंगी और जयराम सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन भाटिया ने कहा कि मोदी सरकार स्कूलों कॉलेजों में भी आरक्षण को हटा रही है, जिस कारण SC ST और दलित तबके से आने वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं। महिला मंडल प्रधान संतोष चौहान ने कहा कि मोदी सरकार भेदभाव फैला रही है और दलित समाज को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि इस एक्ट में जो छेड़छाड़ की गई है वह दलित समाज के हित में नहीं है। वहीं मंडी में भी SC ST एक्ट में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग व विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों व लोगों ने जिला मुख्यालय मंडी में प्रदर्शन किया। इस दौरान एक भव्य रोष रैली भी निकाली गई, साथ ही उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल ने बताया कि संघ व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक रोष रैली निकाली है ताकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन किए जाने पर जो निर्णय लिया गया है उसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से SC ST वर्ग में असुरक्षा की भावना फैली है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को लेकर पुनर्समीक्षा की जाए और पहले की स्थिति को यथावत किया जाए। दर्शन लाल ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि संगठन सामाजिक समरसता को लेकर चलता है, इसीलिए वे मांग करते हैं कि निर्णय की पुनः समीक्षा की जाए। सोलन में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा रोष रैली का आयोजन किया गया। रोष रैली में अनुसूचित जाति से जुड़ी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इंसाफ की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। रोष रैली नगर परिषद कार्यालय से आरंभ हुई और चौक बाजार होते हुए मिनी सचिवालय तक निकाली गई। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने रोष रैली शांति प्रिय ढंग से निकालते हुए कहा कि वो अनुसूचित जाति वर्ग से अन्याय किसी भी हालत में नहीं सहेंगे। इस मौके पर वाल्मीकि सुधार समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद मट्टू ने कहा कि जो SC ST एक्ट में जो संशोधन की बात कही है वो अनुसूचित जाति समुदाय को कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्ट में संशोधन से उनके ऊपर फिर से अत्याचार आरंभ हो जाएंगे, जिसके चलते उनकी आने वाली भावी पीढ़ी को जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर प्रेमचंद मट्टू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस एक्ट में किसी तरह का संशोधन किया गया तो वाल्मीकि समुदाय उग्र प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं ऊना जिले में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित संगठन SC ST एक्ट में बदलाव के चलते सड़कों पर उतरे। दलित समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही इस एक्ट में बदलाव को सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दलित संगठनों के द्वारा ऊना में भी एक रोष रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में दलित समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक रोष रैली निकाली। ये रैली MP पार्क से लेकर DC ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें महिला व बुजुर्ग भी शामिल हुए और DC के माध्यम से एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसमें उन्होंने SC ST एक्ट को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की है।
गुरु रविदास महासभा के प्रधान एडवोकेट नरेश कुमार ने कहा कि अगर SC ST एक्ट को लेकर पुनर्विचार नहीं किया गया है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन दलित समुदाय के लोगों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संसद के अंदर उनकी आवाज नहीं उठाई तो वह सांसदों का भी घेराव करेंगे।